हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेंटेनेंस केस में आप क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से जो है आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस बन जाता है। और ये जो गलती है आप बिल्कुल अपने केस में बिल्कुल ना करें और ये गलती को अवॉइड करें, इसलिए ये वीडियो है। अब मैं आपको जो है ये जो वीडियो है ये मैं दो केसेस के ज़रिए जो है आपको समझाने जा रहा हूँ। एक केस ऐसा हुआ था कि हस्बैंड की इनकम जो है 7,000 रुपये थी, पर मेंटेनेंस जो है कोर्ट ने 1,00,000 रुपया बांध दी। अब ये आप सोचेंगे कि ऐसा अजूबा हुआ कैसे, ऐसे कोर्ट ने कैसे कर दिया, और ये ऑर्डर तो बिल्कुल गलत है और इसको तो चैलेंज करना चाहिए। और ये आप कैसे क्या बता रही है कि 7,000 की इनकम हस्बैंड दिखा रहा है और 1,00,000 रुपये जो है इनकम जो है मेंटेनेंस जो है कोर्ट ने बांध दी है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है अगर आपके केस में ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। हस्बैंड ने अपनी इनकम एफिडेविट में तो सिर्फ 7,000 रुपये इनकम दिखाई, पर वाइफ के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे हस्बैंड के साइड के जो वो ला के उसने जो है कोर्ट में रखे। उसने जो है सबसे पहले तो 21,00,000 रुपए की FDs दिखा दी हस्बैंड के नाम पे, फिर उसने जो है उसका घर दिखा दिया कि उसका एक घर है बहुत आलीशान लोकेलिटी में है उसका घर, और उसके बाद उसने जो है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है इन्वेस्टमेंट के, LIC पॉलिसी के और इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के आगे रख दिए, जो हस्बैंड ने जो है कोर्ट के समक्ष जो है ट्रुथफुली डिस्क्लोज नहीं किए। उसने बस इतना कमाया, दिखाया कि वो जो है सिर्फ 7,000 रुपये कमाता है और उस हिसाब से जो है आप मेंटेनेंस बांध दीजिए। अब उस हिसाब से तो 3,000 या 4,000 रुपये मैक्सिमम तक मेंटेनेंस बनती, क्योंकि उसमें बच्चा भी था तो 4,000 से ज़्यादा उसमें बंदी नहीं चाहिए थी, बट कोर्ट ने जो है 1,00,000 रुपये मेंटेनेंस जो है उस केस में बांध दी। अब वो ऐसा हुआ कि कोर्ट ने कहा कि आपने जो है कोर्ट के सामने जो है सच्ची चीज़ें नहीं रखी, आपने जो है अपनी इनकम जो है वो छुपाई, आपने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट वो छुपाई, आपने अपने एसेट्स छुपाए, और ये सब चीज़ें आपने कोर्ट के सामने जो है सही नहीं रखा। वाइफ जब ये डॉक्यूमेंट्स लाई है तो हम वाइफ के वर्जन को बिलीव करेंगे, और वाइफ के वर्जन में आपके पास इतने सारे एसेट्स हैं, और अगर इतने सारे एसेट्स हैं तो हम जो है गेस वर्क करेंगे, गेस वर्क में आपकी जो इनकम है हम 1,00,000 रुपये जो है मेंटेनेंस बांधेंगे और आपकी इनकम जो है वो 6,00,000 रुपए हम एसेस करेंगे। तो कोर्ट ने जो है 6,00,000 रुपए महीना एसेस करके 1,00,000 रुपए की मेंटेनेंस जो है ऐसे केस में जो है बांध दी थी। तो अगर आप कोर्ट से छुपाते हैं चीज़ें, अगर दूसरी पार्टी वो चीज़ें ले आती है तो ये चीज़ हो सकती है आपके साथ भी। तो कभी भी जो है ना अपनी ट्रू इनकम मत छुपाइए, अगर आप छुपाते हैं तो वो फिर डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से कोर्ट के समक्ष आ जाएगी। आजकल इन्फॉर्मेशन निकालना कोई मुश्किल नहीं रह गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास जो है इतने सारे एसेट्स हैं, सब कुछ है आपके पास, अगर आपकी वाइफ अगर ले आती है तो कोर्ट जो है गेस वर्क से काम करेगा, वो फिर आपके वर्जन को बिलीव नहीं करेगा कि आप जो है 7,000 रुपये कमाते हो, और वो जो है वाइफ जो कह रही है उस पर बिलीव करके जो वो जितना वो मेंटेनेंस मांग रही है उतनी मेंटेनेंस वो अवॉर्ड कर देगा। फिर आप चाहे ऊपर हाई कोर्ट में अपील कर लीजिए या सुप्रीम कोर्ट में कर लीजिए, फैसला जो है बदलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें मत कीजिए जिससे जो है आपको ही नुकसान हो आगे जाके। तो 1,00,000 रुपये महीना जो है मेंटेनेंस कोर्ट ने इस केस में जो है बांध दी थी। अब दूसरा केस मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें जो है एक बिजनेस क्लास का जो पर्सन है वो है इसमें इन्वॉल्व दूसरे केस में, और इसमें जो है उसने ये कहा कि मेरी तो जी इनकम ही नहीं है क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है वो घाटे में चल रहा है, मेरे पास बस इतने पैसे हैं जो मैं इम्प्लॉयज़ को दे सकता हूँ, और मैं इम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे रहा हूँ और अपना बिज़नेस जो है किसी तरह चला रहा हूँ, बट मेरी कंपनी को बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है। अगर मेरी कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो मेरी इनकम जो है वो है ही नहीं बिल्कुल भी। उसने जो है बिल्कुल ज़ीरो इनकम अपनी डिक्लेयर की। उसने कहा कि मैं डेली खर्चे पे के लिए अपने फादर पे डिपेंडेंट हूँ और वो ही मेरा जो है डेली का खर्चा उठा रहे हैं। अब इसमें जो है कोर्ट में उसने अपनी इनकम तो बिल्कुल ज़ीरो दिखा दी कि जी मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है वो घाटे में चल रहा है, मैं जो है कुछ भी अर्न नहीं करता हूँ।
पर एक और चीज हुई इसमें, वो चीज क्या हुई, उसने जो अपने खर्चे हैं कम से कम 2 लाख रुपए महीना दिखा दिए अपने खर्चे, जो भी उसने एक्सपेंसेस का जो कॉलम होता है अपनी एफिडेविट, अगर आपने देखा होगा रजनीश वर्सेस नेहा में, उसमें एक्सपेंसेस का जो है कॉलम होता है उसमें 2 लाख रुपए महीना अपने एक्सपेंसेस लगाए, प्लस उसने जो है अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगाई, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भर भर के बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई पड़ी थी, जिसमें वो कह रहा था कि ये जो थोड़ा बहुत बिजनेस जो आ रहा है वो जो है उसके अकाउंट में आ रहा है, इससे वो जो है 10 लाख रुपए महीना तो सैलरीज दे रहा था अपने एम्प्लॉयज़ को, और उसमें जो क्रेडिट थे वो कम से कम 6-6 लाख रुपए के क्रेडिट हर 3 या 4 दिन में आ रहे थे उसके अकाउंट में। देखिए आज की डेट में जो है, अगर आप अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट्स जो है, आपको 3 साल की स्टेटमेंट जो है रजनीश वर्सेस नेहा के हिसाब से जो है आपको देनी पड़ेगी 3 साल की स्टेटमेंट, तो इसमें जो है आप ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप 1 साल का डेटा मैनिपुलेट कर लो, 1 साल चलो अपनी कम इनकम दिखा दो, पिछले 2 साल का क्या, अगर आप पिछले 2 साल में हर महीने 5 लाख रुपये महीना कमा रहे हो और अगले ही साल आप अपने आप को लॉस में डिक्लेयर कर दे, तो कोर्ट आपकी बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करेगा। और यहाँ पे जो है कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को 10 लाख रुपये दे रहे हो, अपने ऊपर 2 लाख रुपये खर्चा कर रहे हो, अपनी बीवी और बच्चों को आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, कोर्ट ये नहीं मानता है, क्योंकि आपकी जो है कंपनी लॉस में चल रही है आप ये दिखा रहे हो, बट आपका जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो कुछ और ही बातें कर रही हैं कि उसमें जो है क्रेडिट हो रहे हैं 6-6 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में आ रहे हैं, आप किसको उल्लू बना रहे हो। तो वहाँ पे भी जो है कोर्ट ने कम से कम 1 लाख रुपए महीना जो है मेंटेनेंस फिक्स कर दी, हस्बैंड को कहा कि आप वाइफ और बच्चों को 1 लाख रुपए महीना जो है आप दोगे। फिर एक और केस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, चलो ये बोनस हो जाएगा, दो दो मैंने गए थे बट एक मेरे को ध्यान आया तो मैंने कहा चलो एक और केस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है अभी 6 मिनट से ज़्यादा जो है बने हुए हो इस वीडियो में, तो आपके लिए बोनस है कि एक मैं और केस जो है डिस्कस करने वाला हूँ। इस केस में ये हुआ था कि हस्बैंड ने जो है नौकरी छोड़ दी थी अपनी, पूरी अपनी नौकरी छोड़ दी, उस वो कम से कम 1 या 1.5 लाख रुपये महीना कमाता था और कहा कि अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, अब मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, तथा मैं जो है वाइफ और बच्चे को मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं दे सकता। इनकम एफिडेविट में अगेन उसने जो है 0 इनकम डिक्लेयर की और अपनी जो है लास्ट 3 साल की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगा दी, उसमें जो है एक एडमिटेड पार्ट ये था कि हस्बैंड जो है 1.5 लाख रुपए कमा रहा था नौकरी छोड़ने से पहले, अब जो है उसने नौकरी छोड़ दी है तो अब उसकी इनकम 0 हो गई है। कोर्ट ने इस चीज़ को भी बिलीव नहीं किया, कोर्ट ने कहा कि आप जब 1.5 लाख रुपए कमा रहे थे महीना और आपने अचानक आपने नौकरी छोड़ दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो है जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसी हिसाब से आपको फिर भी जो है वाइफ और बच्चे को मेंटेन करना है, आपकी वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी डिस्पाइट कि आपके पास नौकरी नहीं है, वो कोई डिफेंस नहीं होता, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप सही भी होता तब भी जो है आप उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अपने वाइफ और बच्चे को मेंटेन कर रहे होते। तो कोर्ट ने उनकी जो उसकी जो इनकम थी हस्बैंड की वो 1,20,000 के हिसाब से 40,000 रुपये मेंटेनेंस जो है उस केस में जो है बांध दी बच्चे और बीवी के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप कोर्ट से झूठ बोलते हैं या कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो कोर्ट भी समझदार है, कोर्ट को भी पता है हर हस्बैंड की जॉब छूट जाएगी जब मेंटेनेंस का केस होता है, हर हस्बैंड की बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाएगा जब मेंटेनेंस केस होता है, और हर हस्बैंड ही जो है अपनी इनकम छुपाएगा जब उसके ऊपर मेंटेनेंस केस होता है। तो तीनों सिनेरियो मैंने आपके सामने कवर किए, तीनों सिनेरियो में हस्बैंड बिल्कुल फेल हो गया क्योंकि उसने जो है कोर्ट के सामने जो है सच बात नहीं कही, झूठ बोला, जिसकी वजह से जो है मेंटेनेंस का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा 1 लाख रुपए मेंटेनेंस महीने की, और वो भी तब से जब से उसने एप्लीकेशन फाइल की थी, बहुत मायने रखता है। ऐसी चीज़ हो सकती है अगर आप जो है कोर्ट के सामने ज़्यादा ही स्मार्ट बने तो, बिल्कुल भी स्मार्ट ना बने, जो चीज़ है उसको वैसे ही प्रेजेंट करें। आपको कई लीगल एडवाइज़र एडवाइस करेंगे कि आप जॉब छोड़ दो, आप अपनी इनकम ये चीज़ मत डिस्क्लोज करो, या जो चीज़ें हैं उसको कम दिखाओ, तो वो चीज़ जो है छुपा नहीं सकते आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं ब्लैक एंड वाइट में हैं, पेपर है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है,
वो वाइफ जो है एक एप्लीकेशन लगाएगी, आपका जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने आ सकते हैं। तो ये चीज़ का जो है रिस्क मत लीजिए अभी भी, मैं आपको कह रहा हूँ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं कई बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और आज भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके मेंटेनेंस केसेस में क्या चल रहा है आज की डेट में। और बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।